हेलो भाइयों, नितिन सारस्वत की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सामने आप सभी खड़ा है भाई जेसीबी बैकहो लोडर इको एक्सपर्ट इजी शिफ्ट। अभी भाई 74 हॉर्स पावर वाला मॉडल है भाई ये, ठीक है, यानी ये 74 हॉर्स पावर है और इसमें दो चार मॉडल आते हैं, बट आपके सामने जो है अभी 74 हॉर्स पावर वाला है। अभी अगर इसकी डील लेनी है तो आपको कहाँ पे आना है भाई? आपको आना है जेसीबी कॉन्टिनेंटल जेसीबी भाई, ये हल्द्वानी में, यहाँ पे आप डील ले सकते हो इसकी और अच्छी से अच्छी डील मिल सकती है भाई आपको अगर आप यहाँ से लेते हो। बाकी अगर इसकी बात करें तो 74 हॉर्स पावर में, और बहुत बंदे पूछते हैं भाई प्राइस, आज प्राइस बोलते हैं, चलो ये है आपकी इको एक्सपर्ट इजी शिफ्ट 74 हॉर्स पावर 23 लाख भाई इसकी, कुछ 23.10 यानी कि 23,10,000 इसकी प्राइस पड़ जाती है, ठीक है, हल्द्वानी में। बढ़ते हैं अगर और इंजन स्पेसिफिकेशन पे भाई, अगर हम इसकी बात करें तो 55 किलोवाट और 74 हॉर्स पावर का, तो जो मैंने आपको बताया जेसीबी का इंजन आ रहा है भाई इसमें, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन कॉमन रेल है। 74 हॉर्स पावर में जो आता है कॉमन रेल आता है भाई इंजन आपको ना, और जो इसकी छोटी वो है बहन उसमें नहीं आता, तो ये फर्क है। और बाकी अगर हम बात करें इसके आगे बकेट की, तो भाई ये जो बकेट देख रहे हो आप ये 1.1 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसका जो साइज है। और उसी के साथ में एवरेज अगर इसकी बताऊं तो भाई हैरान हो जाओगे, 3 से 4 लीटर पर घंटे। अभी इसमें घंटे का हिसाब चलता है, घंटे में मतलब 4 लीटर खाएगी ये तेल, अच्छा दिया तो, और नकली सा दिया मतलब कम दिया तो भाई 3 देगी। तो ये फंक्शन था, ठीक है, बाकी बता ही दिया मैंने आपको। और अब बढ़ते हैं इसके मेन रिव्यू की तरफ। अगर की दिखाऊं एक्सटीरियर से लुक से बात करें, ऐसी कुछ की मिलती है, जेसीबी का लोगो प्रॉपर इसमें दिया गया है, ठीक है, और मशीन आपके सामने खड़ी है। बाकी आगे जो है इसमें मिलता है, ये जो दांते देख रहे हो ना, ये दांते, इसमें भी जेसीबी का प्रॉपर लोगो दिया गया है और 8 दांतों का भाई ये अगला बकेट है। बाकी यहाँ पे आपको जाली मिल जाएगी जिसमें जेसीबी का लोगो मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है, और आगे 2 बूम मिल जाएंगे इसको। अच्छा एक फंक्शन और बताऊं, अभी हमारा ना ये जो आगे का जो सिस्टम देख रहे हो इसे बोलते हैं भाई लोडर आर्म। अभी लोडर आर्म को ना इसकी स्पीड मंदी मतलब कम करना या फिर ज्यादा करना, वो आप अंदर से सेट कर सकते हो आपके हाथों में। और दूसरा क्या, ये इजी शिफ्ट मॉडल है, प्योर ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको ना गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टीयरिंग पे ही आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी गियर को सेट करने की, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी कॉमन रेल एक बार आप देख सकते हो, ये वाला इंजन जो मैं बता रहा था ये कंप्यूटराइज इंजन कर दिया है, मतलब अपने आप कंप्यूटर से ही ये सिस्टम सारा इसमें सेट है। और इको एक्सपर्ट की यहाँ बैजिंग मिल जाएगी और इजी शिफ्ट ये आ गया जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं आज दिखाऊंगा आपको मेन, ठीक है। बाकी 4 हाइड्रोलिक आ जाते हैं। और हाइड्रोलिक टैंक की बात करूं तो पहले जो मशीनों में आ रहा था 120 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक आ रहा था, बट भाई अभी ना इसमें हमें मिल रहा है 50 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक। और गाइड मी होम जैसे कई SOS, गाइड मी होम, GPS, लाइव लिंक जैसे कई स्मार्ट फीचर जो है मशीन में आपको दे दिए गए हैं भाई, ठीक है। अगर बात करें इसकी अगले टायर की, तो अपोलो के टायर मिलते हैं आपको जो कि आपके नायलॉन के हैं, 9 पॉइंट के टायर मिलेंगे आपको, 9.16 के, ठीक है। और 2 फुटस्टेप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चढ़ने के लिए, हाइड्रोलिक टैंक से ही शिफ्टेड है। बाकी डीजल वीजल वार्निंग जो भी सारी वार्निंग बतानी चाहिए, सब सर्विस कोड, मतलब फुल कंप्यूटराइज्ड भाई मशीन कर दी है आपकी। साइलेंसर की प्लेसमेंट देख सकते हो भाई आपकी ओल्ड स्कूल टाइप वही वहीं पे है। और नायलॉन ग्रेटेड अपोलो के 16.928 के टायर ग्रेड मिल जाएंगे आपको। और अगर आप यहाँ पे पूछो ना ये CEV की क्या फुल फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल Stage 4, यानी कि BS4 Phase 2 मॉडल है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल Stage 4, ये था भाई इसका सारा सिस्टम, ठीक है। अभी पीछे आप देख सकते हो KPC, इसका अंदर सिस्टम दे रखा है सारा KPC को मूव करने का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अंदर चल के। बाकी 0.26 क्यूबिक मीटर का 5 दांतों का बकेट मिल जाता है भाई आपको, ये पिछला वाला, ठीक है, ये वाला देख सकते हो जेसीबी भाई लुक में तो काफी शानदार मशीन है। इसके बगल में आप देख सकते हो वहां पे महिंद्रा की मशीन खड़ी है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देख लो भाई, ठीक है, X5 है भाई वो, तो उसके सामने ना भाई ये बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है, प्लस में वो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है, लेकिन ना जो जेसीबी है ना वो जेसीबी ही रहेगा, ठीक है। और साइड लुक तो आप सारे देख ही सकते हो। और हल्के मुल्के ना ग्रीन टिंटेड भाई इसमें ग्लास मिलते हैं, लाइव लिंक देख सकते हो आप। अभी लाइव लिंक क्या है ना, आप इसको डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो मशीन कहाँ चल रही है या क्या सिस्टम है, आपको इनबिल्टी जेसीबी ऑफर कर रही है सारे सिस्टम। ये रहे अपने फुटस्टेप और ये रहे इसका डोर हैंडल, बढ़िया दिखने वाला।
इसको हम अनलॉक भी कर सकते हैं भाई यहाँ से। अरे लॉक हो गई। बाकी जो बिल्कुल ही सस्ता वो है, ताला भी मार सकता है यहाँ पे। क्या हो गया भाई, उधर से अनलॉक मारते हैं इसको एक बार। तो भाई पहले ना ये वाला जो डोर था ये बहुत पीछे चल जाता, बट अब इसमें क्या कर दिया था, कोई हाइड्रोलिक से लगा दिए हैं और ये बेल्ट भी लगा दी जिससे ज्यादा पीछे को मूव ना हो भाई गेट। तो ये थोड़े जैसे भी सुधार कर रही है अपने अंदर भाई। ठीक है चढ़ते हैं अगर अंदर। तो अंदर से है भाई मेन लुक, तो गाड़ी दिखती जो है अंदर से दिखती है। सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, सीट देखो भाई जेसीबी की है, अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट है प्रॉपर फैब्रिकेटेड के साथ में, पर इंजन बहुत साइलेंट है भाई, सॉरी कैबिन। और जो फंक्शन मैं आपको दिखा रहा था ये देखो भाई, गेट मतलब मस्त खुल जाता है। ये आ गया भाई अपना म्यूजिक सिस्टम, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक सिस्टम मिल गया, दो स्पीकर्स मिल जाएंगे, लाइट मिल जाएगी भाई यहाँ पे आपको, एलईडी प्रॉपर एलईडी, ठीक है ये है चलवा। और यहाँ पे भाई गियरिंग सिस्टम में किलोमीटर और गियर बता दी कौन से गियर में चल रही हो, कितने किलोमीटर स्पीड है। फॉरवर्ड रिवर्स भाई आप यहीं से सारा सिस्टम कर सकते हो उठा के, ठीक है ऐसे उठा के कर सकते हो। और भाई यहाँ पे अपनी सीट्स मिल जाएंगी, इसमें स्टोरेज पाउच मिल जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है सामान रख सकते हो आप। एक सीट भाई इधर मिल जाएगी, इसको भी आप स्टोरेज पाउच के तरीके से यूज कर सकते हो भाई, ठीक है यहाँ। अब अच्छा वो जो सिस्टम मैं आपको बता रहा था इजी शिफ्ट क्या है भाई, देखो गियर मिलता है आपको सबको पता है मशीन में 1 2 3 4 का, ऑटोमेटिक तो रहती है, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग से रहती थी, बट इजी शिफ्ट में गया आप यहीं से अपना चेंज कर सकते हो गियर 1 2 3 4 जो भी अपना सिस्टम है सारा, और उठा के फॉरवर्ड रिवर्स न्यूट्रल सारा सिस्टम आप इसको कर सकते हो। जेसीबी का लोगो यहाँ मिल जाएगा और बीच में ये जो ओल्ड स्कूल टाइप लट्टू सा दे रहे थे पहले से ही वो है सिस्टम सारा, ठीक है। आईआर भी मिल जाएगा एक, और यहाँ पे भाई स्पीकर्स मिल जाएंगे, रैमी का भाई फैन मिल जाएगा, और ये रहा भाई लोड राम को मूव करने का ऑपरेटिंग लीवर, ठीक है। और बाकी अपना हजार्ड लाइट मिल जाएगी, और ये जो है ना ये उस टाइम पे लेते हैं जब आपका लोडर पे मशीन चल रही है और आप हाईवे पे चल रहे हैं लोड लेके, तब उस टाइम पे काम आता है। बाकी लाइट का हो गया ये वाला मोड, ठीक है। और ये सारे सिस्टम मतलब लाइट की है बाइक वाइपर वाइपर के। एसीबी ने सीट्स में कितना इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब इसको उठाओ लीवर को तो ऐसे ऐसे मूव हो जाएगी, इधर से होगी भाई ये, हाँ इस वाले लीवर से होगी, और इस वाले से करोगे तो सीट आगे पीछे भी हो जाएगी। तो मतलब फुल सहूलियत के साथ में ड्राइवर को पूरा पेशेंस दिया गया है जेसीबी वालों की तरफ से। थोड़ा आगे करते हैं, तो अब मतलब सीट को कंट्रोल करना भी काफी इजी हो गया है, और ये हो गया भाई बैक बूम के कंट्रोल्स सारे, देख सकते हो बूम को मोड़ना वोड़ना सारे सिस्टम पड़े रखे हैं, ड्राइवर को पता होगा अपना मोड़ सा। और ये स्टेबलाइजर के जो नीचे आप जिस पे खड़ी है हाइड्रोलिक्स पे वो वाले, ठीक है एक लीवर ये हो गया बूम का ऑपरेटिंग करने का, स्विंग का होता है एक उसका होता है। बाकी स्टोरेज भर भर के यहाँ पे भी स्टोरेज पाउच मिल जाएगा आपको, बाकी ग्लास व्लास आप हटा सकते हो पीछे ही करके, सारे सिस्टम जेसीबी ने पहले से दे रखा है। और नीचे मिल जाएगा भाई यहाँ पे एक्सीलेटर ये वाला हो गया, और ये ड्यूअल पैडल जेसीबी के मतलब बहुत स्ट्रांग ब्रेक पैडल है, हल्के मत समझना। यहाँ से करी हमने अब मशीन स्टार्ट, तो ये देख लो एक बार घुमाओगे तो फैन वैन सारा सिस्टम चल जाएगा। और यहाँ पे वार्निंग बता दी मतलब 300 तक RPM है, ठीक है ये इंजन के घंटे बता देगी, टाइम बता देगी, डेट बता देगी, टेम्परेचर भी बता देगी, मतलब बहुत स्मार्ट मशीन हो चुकी है अभी। और ये गाइड मी होम का फंक्शन सारा, ये लाइट वाइट सारा सिस्टम अपना रात के टाइम पे बहुत बढ़िया सा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कछुआ है, मतलब ये क्या मेनली शो कर रहा है भाई, इसमें तो हल्के चलेगी मशीन, इसमें चलेगी भाई रैबिट मोड है फुल अपनी खिचमा, ठीक है ये एमरजेंसी का SOS का, और ये KPC का हो गया। बाकी भाई इसे बोलते हैं KPC जिसे आप अंदर से ही अब मूव कर सकते हो भाई, यहाँ पे बटन दे रखा है डेडिकेटेड इसके लिए KPC को, उसको दबा के भाई इसको मतलब मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो प्रॉपर। ये ऑटो आइडल हो गया, और यही वही फास्ट और स्लो कौन से मोड में चल रही है, ट्रिप का हो गया भाई, ये देख लो ट्रिप ए ट्रिप बी ऑक्सली जो भी है सारे अपना सिस्टम सेटिंग ये हो गया। बाकी यहाँ फैन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाता है चेक फ्यूल लेवल बिफोर इंजन स्टार्ट, मतलब फ्यूल लेवल चेक कर लो भाई, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट हो गया यहाँ पे अपना, फ्यूल का सिस्टम हो गया मतलब सॉरी वाटर होल्डर कुछ भी रख लो,
ये अपना सीट बेल्ट का ऑप्शन होगा, सीट बेल्ट मस्ट है भाई, गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट पहन के चलाओ। और ये गेट भाई यहाँ से खुल बंद हो सकता है अपना टोटली। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें, म्यूजिक सिस्टम खोलते जरा, ये देख लो अपना इसमें सारे सिस्टम है, वेलकम वेलकम, जेसीबी का पर्सनलाइज्ड भाई है ये अपना, रेडियो वीडियो आवाज क्या करना है आपको, एफएम हो गया, बेस के हो गए, मतलब अपने मोड वोड यहाँ से सेट कर, ब्लूटूथ भी है भाई इसमें, रेडियो हो गया, ऑक्स हो गया, पता नहीं भाई ये ऑक्सिलरी है, खाली ऑक्स ऑक्स दिखा रहा, बीटी दिखाई नहीं रहा, कोई नहीं ठीक है, ये था। और बीटी बड़ा प्यारा काम करता है भाई इसमें, ये देख लो भाई यहाँ पे स्पीड बताता है और गियर बता देता है, अभी तो बता नहीं रहा, चलती में बताएगा बाकी है। ठीक है, हॉर्न का हो गया, ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है, ठीक है वही। तो ये थी भाई आज की वीडियो अपनी जेसीबी इको एक्सपर्ट इजी शिफ्ट मॉडल की। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, और अगर मशीन चाहिए, मशीन की डील चाहिए, तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टिनेंटल जेसीबी हल्द्वानी में, इस मशीन की डील लेने के लिए 74 हॉर्स पावर में इजी शिफ्ट इको एक्सपर्ट की। वीडियो पसंद आए वीडियो कर दो भाई लाइक, चैनल कर दो भाई सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।